हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हो आप सभी अच्छे होंगे एंड ऑलवेज अच्छे ही रहना। सो गाइस, अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं एंड मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ, क्योंकि सुबह से मैं मतलब थोड़ा बहुत घर का सफाई की हूँ। दिवाली आने वाला है, इसी के लिए मतलब एक रूम का सफाई मैं और नीशू हम दोनों मिल के कर दिए हैं। एंड रात में मतलब मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था एंड उसके बाद चार्ज में लगाया, उसके बाद उठे पूजा वूजा किए, नहाए धोए, साफ ऑफ किए एंड अभी फाइनली हम दोनों फ्री हैं एंड आके बैठ गए यहाँ पर ब्लॉग बना रही हूँ। एंड गाइज, अभी घर पे आने वाला है कोई, सो अभी मतलब थोड़ी देर में जस्ट आ भी जाएगा, तो आप लोग को दिखाते हैं कि कौन आया है। एंड उसके बाद वो जो आ रहे हैं उन लोग को छोड़ने भी जाना है, क्योंकि वो लोग कहीं जा रहे हैं। तो यहाँ बस थोड़ी देर के लिए आएंगे, उसके बाद उन लोगों का ट्रेन है, मतलब 3 या 4 बजे ट्रेन है, मतलब मुझे नहीं पता, मतलब लगभग 3 या 4 बजे के आसपास है। तो उन लोगों को छोड़ने स्टेशन भी जाएंगे एंड कौन आ रहे हैं ये आप लोग को थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, जैसे ही वो लोग आते हैं आप लोग को भी दिखाएंगे। तो चलो, तब तक के लिए बाय। सो गाइज, जिसका इंतज़ार था वो आ चुका है, तो चलो आप लोग को दिखाते हैं। देखो गाइज कौन आया है, गोलू आया है एंड ये जा रहा है कोलकाता आँख दिखवाने के लिए। तो इसी को जाएंगे छोड़ने के लिए स्टेशन एंड उसके बाद फिर पता नहीं कब आएगा, 2-4 दिन बाद आएगा। तो इसी के लिए मैं बैठी हुई थी तभी से एंड फाइनली गोलू आ गया है एंड इसकी मम्मी भी आई है, रूप भी आई है, सारे लोग आए। तो जब जाएंगे स्टेशन आप लोग को भी दिखाएंगे, बने रहिए ब्लॉग में। तब तक थोड़ा गोलू से मैं बात कर लेती हूँ एंड मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर। तो गाइस, अभी स्टेशन जाने में टाइम है ट्रेन आने में, सो तब तक के लिए मैं चिल्लर पार्टी को लेके जा रही हूँ दुकान। सबको कुछ कुछ खाना है तो चलते हैं दुकान एंड देखते हैं कौन क्या क्या लेता है। गोलू, रूप, डुगू है, निशु है, मैं भी कुछ ले लूंगी इन लोग के साथ। सो चलो चलते हैं सीधा अभी दुकान। ये गाइस, दुकान तो बंद है, देखो आप लोग पीछे हम लोग दुकान पे ही है, बट यहाँ पे गोलगप्पा है। तो सभी लोग अभी खाएंगे गोलगप्पे एंड निशु पता नहीं बोलिए मैं नहीं खाऊंगी, मैं जाऊंगी दूसरी दुकान। मेरा तो अभी मूड नहीं है, देखो वो पीछे दूसरी दुकान जाने का, क्योंकि अभी स्टेशन भी जाना है। तो चलो यार गोलगप्पे खाते हैं एंड चलते हैं घर, क्योंकि उसके बाद जाना है। ये लोग तो वहीं पे खा लिए एंड मैं अपने लिए घर में और सबके लिए देखो पैक भी करवा लिया। गोलू पकड़ा हुआ है एंड अभी गाइस मैं नहीं दिख रही हूँ, कहाँ है? अरे अभी जा रहे हैं घर एंड घर पे चलते हैं गोलगप्पे खाते हैं उसके बाद चलेंगे स्टेशन। सो गाइस, जा रहे हैं स्टेशन, मैं और गोलू है, देखो बैग भी ले लिए हैं और भी सारे लोग हैं, सब आगे आगे जा रहे हैं, तो भी मेरे साथ जा रहा है एंड स्टेशन। अभी छोटे पा का कॉल आया था कि 3 बज गया, अभी घर से निकल जाओ। सो पता नहीं ट्रेन कितने बजे है, वो तो नहीं पता, बट 5 से 10 मिनट लगता है स्टेशन जाने में। तो चलो चलते हैं स्टेशन। हाय गोलू, हाय रू। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं एंड करते हैं कल एक के ब्लॉग को आज भी कंटिन्यू। एंड अभी मतलब थोड़ी देर पहले मैं जस्ट सो के उठी हूँ एंड आज मतलब ठंडी भी लग रही है काफ़ी ज़्यादा। सो मैं आ गई हूँ बाहर यहाँ धूप में एंड थोड़ा देर यहीं रुकते हैं, क्योंकि यार रात में भी ठंडी लग रही थी एंड जैसे ही अभी मतलब मैं कम्बल से निकली हूँ बाहर आई हूँ, बहुत ज़्यादा ही ठंडी लग रही थी, जिसकी वजह से मैं आ गई यहाँ धूप में। एंड कल मतलब गोलू और रूप स्टेशन छोड़ने के बाद मैं गई थी मार्केट, वहाँ पे मेरे को कुछ लेना भी था सामान एंड उसके बाद कुछ खाना भी था, चाउमीन लिए थे, समोसा, तो सारा कुछ लेके आए थे घर। एंड अभी डुगू आ गई है घर से बाहर एंड निशू भी है उसके पीछे। सो गाइस, अभी तो मतलब रूप एंड वो क्या कहते हैं गोलू पहुँच भी गए होंगे, मैं तो अभी बात भी नहीं की, मैं तो अभी जस्ट सो के उठी हूँ एंड डुगू बोले मेरे को गोदी लो। सो इसको पहले लेते गोदी एंड आज सारे लोग उठ चुके थे, डुगू, निशू, सारे लोग एंड मैं उठी सबसे लेट। एंड मैं जब उठी थी तो ये लड़की अपना फुटबॉल लेके मस्त खेल रही थी एंड मेरे रूम में भी आई थी बट मैं नहीं उठी थी एंड ये अपना पापा के साथ खेल रही थी। निशू भी सोई थी गाइस, निशू नहीं उठी थी, मेरे से बस थोड़ी देर पहले उठी है, 5 मिनट पहले ही उठी है निशू, उसके बाद मैं उठी, बट डुग्गू उठ गई थी, है ना डुग्गू, हाय बोल दो बेबी हाय। एंड गाइस देखो यार ये क्या सब लगाई हुई गाल में, जा कहाँ जा, तो ये बोले चलो घुमाने के लिए, बट मैं तो जाऊंगी नहीं क्योंकि मेरे को आज बहुत ज़्यादा ही ठंडी लग रही है। सो पहले तो मैं यहाँ पे रहूँगी 10 से 20 मिनट कंटिन्यू एंड उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो चलो तब तक। चोड़े 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 चोड़े
गा इस सुबह के बाद मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, मतलब लगभग अभी 3 बजने को है, 2:45 हो रहे हैं एंड अभी घर पे कोई भी नहीं है। मैं हूँ, दीदी है एंड कोमल दी है, मतलब सारे बहन बहनी है, मम्मी पापा भी नहीं है। मम्मी मतलब घर गई है गांव एंड पापा गए हैं ऑफिस, तो पापा तो आएंगे मतलब 5 या 6 बजे एंड मम्मी गई है गांव। सुबह में गए थे पापा मम्मी को छोड़ने के लिए एंड मम्मी को छोड़ के उसके बाद पापा चले गए ऑफिस एंड घर पे मैं, दीदी, कोमल दी, अनिशु, डुगू, बस इतने ही सारे लोग हैं। एंड अभी मतलब घर पे कॉल किए थे तो मम्मी शायद अभी आ रही है। वैसे तो मतलब गई थी तो बोल रही थी कि मतलब आज रुकेंगे, बट आ रही है अभी, अब पता नहीं क्यों बट शायद आ रही है, कन्फर्म नहीं है। लेकिन अभी कॉल किए थे तो पता चला है कि अभी मतलब अगर गाड़ी मिल जाएगी तो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, तो देखो देखते हैं थोड़ी देर, उसके बाद फिर से कॉल करके पूछेंगे कि आएगी या नहीं आएगी। फिलहाल तो मैं यहाँ पे बाहर घर के बाहर टहल रही हूँ। यहाँ पर ये देखो लड़की, ये पूरे बाथरूम में जाके कपड़े सारे गीला कर चुकी है एंड देखो अभी इसको मतलब दीदी अभी इसका कपड़ा चेंज करेगी। गाइस देखो डुगू का कपड़ा चेंज कर दिए, मैं ही क्यों, देखो दिखाओ एक बार, इधर दिखाओ, फुल टी शर्ट अभी आई, अभी ये पहनी हुई थी, हाफ टॉप था, सेम कलर का था, बट ये अभी देखो इसको कर दिए हैं चेंज। बट इसको किए हैं एक मतलब, इसको बोले कि अगर कपड़ा चेंज करते इसको लेके जाएंगे घुमाने के लिए, तभी ये चेंज की, वैसे कपड़ा पहन नहीं रही थी। एंड अभी देखो पहन के बोले चलो, कहाँ जाना है आपको, कहाँ जाना है, घर चलो। क्या था ऊपर में, सब यहीं पे इसको टहलाते हैं यार, कहाँ लेके जाए जरा, देखो बोले ना ना ना, किधर किधर, इधर, हाँ चलो चलो वापिस, हाँ चलो, देखो गाइस देखो एंड देखो वापिस जाएंगे तो देखना, देखा हो लोगों ने, एंड देखो इधर जाएंगे तो एकदम मस्त, एंड देखना वापिस जाएंगे तो। चलो 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 चलो, यहाँ छुप गई हूँ, जैसी डुगवाती उसको डराते हैं, देखो यार डरती है नहीं डरती है, यार डरी नहीं, ये तो खुश हो गई वापिस से। यार डुगू तो डरी नहीं एंड ऊपर से हंसने लगी मेरे को, तो सैड, चल लो कोई बात नहीं, देखो इसको क्या कर रही है लड़की, लड़की क्या कर रही है, गुस्सा है ना, गुस्सा है ना, हेलो बोल दो ना। देखो भाई उसको उधर जाना, देखो पैंट तो ये उल्टा ही पहन लिया। तो गाइस अभी शाम के 4 बज रहे हैं, मैं, डुगू, हम दोनों ही आ गए ऊपर एंड वो देखो पीछे गेहूं पड़ा हुआ है सूखने के लिए, तो अभी मम्मी आएगी उठाएगी। एंड मम्मी आ भी गई है गांव से, मतलब 3 बजे आ गई थी मम्मी एंड घर से कुछ लेके भी आई खाने के लिए, खाजा गाजा वो बस आई जितना भी होता है सारा कुछ। एंड कोमल दी निशु को लेके गई है कहीं बाहर, पता नहीं कहाँ बाहर उसको जाना था तो कोमल दी लेके गई है, वैसे तो मैं ही जाती हूँ बट आज मेरा मूड नहीं था तो कोमल दी ही गई है। एंड गाइज मैं डुगू को लेके आ गई हूँ इधर ऊपर छत पे एंड निशु नहीं है तो इसको अकेले खेलने में मन भी नहीं लग रहा है, देखो आप लोग ये रही डुगू, एंड थोड़ी देर रहते हैं इसको लेके ऊपर ही। एंड इसको इसलिए लेके आए क्योंकि ये देखती निशु को जाते हुए तो फिर ये भी बोलती कि मेरे को भी जाना है, तो इसी के लिए मैं लेके आई हूँ उसको, तो वो लोग चले गए एंड ये देख लिए ऊपर से, नहीं बार बार बोल रही है मेरे को नीचे चलने के लिए। सो अभी देखो यार थोड़ी देर इसके साथ यहीं पे रहते हैं एंड गाइज करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। पता नहीं कैसा लगा आपको बट अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी आप लोग से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।